लगातार अमरदीप जिसके नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन आपने समय से पहले वो आकलन बताया कि भजनलाल शर्मा को क्यों नरेंद्र मोदी ने पसंद किया है, क्यों उनके नाम पर मोहर लगी है। पूरी सारी चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों उन्हें पसंद किया गया है, क्यों नहीं पसंद किया गया। संगठन के व्यक्ति हैं, संघ के बहुत नजदीक हैं, ब्राह्मण चेहरा है, निर्विवादित हैं, पहली बार बने हैं, संगठन को चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रदेश महामंत्री दो बार रहे हैं, 7 से 10 साल का अनुभव संगठन का है, भरतपुर से आते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भजनलाल शर्मा के जो नारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नारे भी लगने शुरू हो गए। यानी कि सबसे बड़ी चीज, हमने जो रिपब्लिक ने बताया कि सारे चैनल से पहले सबसे पहला नाम हमने भजनलाल शर्मा का बताया, और भजनलाल शर्मा पर मोहर अब लग चुकी है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो बात अमरदीप ने कही कि जिस पर्ची को लेकर वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा उस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम और उस प्रस्ताव में भजनलाल शर्मा पर मोहर। ये भी बताइए वसुंधरा राजे के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा बार बार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा की भी हामी उस नाम में जरूरी है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज भजनलाल शर्मा के बारे में आपको बताऊंगा, भरतपुर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पास ताले की चाबी होती है। भजनलाल शर्मा को बहुत संगठन में जिस तरीके से हर नेता से नजदीकी बनाने का मतलब ये होता है कि अपना काम बहुत तरीके से गिनवा देना और चुपचाप बैठ जाना, यानी कि जहां बात पहुंचानी है और चुपचाप बैठ जाना, यानी कि जहां बात बता रहे। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं और बहुत करीबी कहे जाते हैं वसुंधरा खेमे के। ब्राह्मण चेहरा है, निर्विवाद रहे हैं, 4 बार महासचिव रहे हैं, सांगानेर से चुनकर आते हैं, 50,000 से ज्यादा वोटों से, करीब 50,000 वोटों से उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, एक ऐसा चेहरा जो कभी रेस में नहीं लगता था, एक ऐसा चेहरा जो दूसरी पंक्ति का नेता था, एक ऐसा चेहरा जो हमेशा लो प्रोफाइल रहा करता था, और आखिरकार देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज दिया। सांगानेर से चुनकर विधायक चुने गए हैं और कैबिनेट में रहे हैं, 4 बार महासचिव रहे हैं, संगठन को चलाने का उनको अनुभव रहा है, और बड़े गंभीर माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए, अभी प्रेस के लिए जाने दो। लगातार अमरदीप जिसके नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन आपने समय से पहले वो आकलन बताया कि भजनलाल शर्मा को क्यों नरेंद्र मोदी ने पसंद किया है, क्यों उनके नाम पर मोहर लगी है। पूरी सारी चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्यों उन्हें पसंद किया गया है, क्यों नहीं पसंद किया गया। संगठन के व्यक्ति हैं, संघ के बहुत नजदीक हैं, ब्राह्मण चेहरा है, निर्विवादित हैं, पहली बार बने हैं, संगठन को चलाना बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रदेश महामंत्री दो बार रहे हैं, 7 से 10 साल का अनुभव संगठन का है, भरतपुर से आते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भजनलाल शर्मा के जो नारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नारे भी लगने शुरू हो गए। यानी कि सबसे बड़ी चीज, हमने जो रिपब्लिक ने बताया कि सारे चैनल से पहले सबसे पहला नाम हमने भजनलाल शर्मा का बताया, और भजनलाल शर्मा पर मोहर अब लग चुकी है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो बात अमरदीप ने कही कि जिस पर्ची को लेकर वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव रखा उस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम और उस प्रस्ताव में भजनलाल शर्मा पर मोहर। ये भी बताइए वसुंधरा राजे के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा बार बार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा की भी हामी उस नाम में जरूरी है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज भजनलाल शर्मा के बारे में आपको बताऊंगा, भरतपुर रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पास ताले की चाबी होती है। भजनलाल शर्मा को संगठन में जिस तरीके से हर नेता से नजदीकी बनाने का मतलब ये होता है कि अपना काम बहुत तरीके से गिनवा देना और चुपचाप बैठ जाना, यानी कि जहां बात पहुंचानी है और चुपचाप बैठ जाना, यानी कि जहां बात बता रहे। भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं और बहुत करीबी कहे जाते हैं वसुंधरा खेमे के। ब्राह्मण चेहरा है, निर्विवाद रहे हैं, 4 बार महासचिव रहे हैं, सांगानेर से चुनकर आते हैं, 50,000 से ज्यादा वोटों से, करीब 50,000 वोटों से उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, एक ऐसा चेहरा जो कभी रेस में नहीं लगता था, एक ऐसा चेहरा जो दूसरी पंक्ति का नेता था, एक ऐसा चेहरा जो हमेशा लो प्रोफाइल रहा करता था, और आखिरकार देखिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज दिया है। सांगानेर से चुनकर विधायक चुने गए हैं और कैबिनेट में रहे हैं, 4 बार महासचिव रहे हैं, संगठन को चलाने का उनको अनुभव रहा है, और बड़े गंभीर आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। धन्यवाद।
पे सभी बैठी है, माननीय राजनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रेस के लिए जाके मुख्यमंत्री दल के नेता वापस आएंगे, उसके बाद आप उनका स्वागत सत्कार कीजिए, अभी प्रेस के लिए जाने दो।